दोस्तों मुझे अभी अभी एक छोटा सा ज्ञान मिला है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो आपका बेल्ट कवर रहता है आपके गियरलेस स्कूटर में, आपका कोई भी गियरलेस स्कूटर हो, होंडा का, यामाहा का, सुजुकी का, हीरो का, तो इस अगर बेल्ट कवर में पानी चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड पे कम्प्लीटली वाटर ही वाटर है, तो अभी जस्ट इसके अंदर पानी चला गया था, तो क्या हो रहा था कि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा था, इसका बेल्ट कम्प्लीटली स्लिप कर रहा था। बट जब मैं बाहर इसे खींच के लाया और उसके बाद जब मैंने इसे बहुत ज़्यादा एक्सीलेट किया तो ये फिर नॉर्मल हो गया। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि इस बेल्ट कवर में पानी चला जाए और वो आगे नहीं बढ़े, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पानी से इसे बाहर निकालिए, पानी खुद से बाहर आ जाएगा इसके अंदर का। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा इसको एक्सीलेट करेंगे मेन स्टैंड पर डाल करके, तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, आपका बेल्ट स्लिप होना बंद हो जाएगा और ये नॉर्मल काम करने लगेगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों लाइक तो ज़रूर किया है क्योंकि इस यहाँ पे मैं बारिश में भींग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज रिलेटेड, रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।